आज से बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। अयोध्या में हुए इस सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने शिरकत की। सम्मेलन में सिर्फ 50 लोगों को अनुमति दी गई थी, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में लोग नजर आए। कार्यक्रम में बीएसपी महासचिव ने कहा कि प्रभुराम केवल बीजेपी के नहीं सबके हैं। बीएसपी ब्राह्मण समाज को जागरूक करने के लिए ये सम्मेलन कर रही है। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सतीश चंद्र ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर रामलला के मुख्य पुजारी ने सतीश चंद्र को रामलला की तस्वीर भेंट की। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। देखिए, ये जो लोग सोचते हैं या कहते हैं, ये बहुत ही संकीर्ण सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि भगवान श्री राम उनके हैं, तो इससे ज़्यादा संकीर्ण सोच। भगवान श्री राम सबके हैं और भगवान श्री राम जितने उनके हैं, शायद उनसे ज़्यादा हम लोगों के हैं, हमारे हैं। हम लोग तो पता नहीं वो करते भी हैं कि नहीं। हम लोग तो सुबह उठ के पहले नित्य पहले पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद घर अपना आगे काम शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग, अफसोस होता जब लोग भगवान श्री राम को भी राजनीति में लाते हैं। हमने दर्शन किए, उनके दर्शन करने के बाद हमने आज महाबली हनुमान जी के दर्शन किए और मुझे हम एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में और प्रबुद्ध वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए उसकी उससे उसके संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, जिस तरह से अपेक्षित हैं और ख़ास तौर से ब्राह्मण समाज अपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उस संबंध में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया पूरे प्रदेश में, हर ज़िले में जाएंगे, हर ज़िले में और लगातार निकलेंगे। तो शुरुआत हमने अयोध्या से की है भगवान श्री रामलला का आशीर्वाद लेते हुए, और आज बजरंगबली के फिर उनके बाद आशीर्वाद लिया। दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से और बजरंगबली की आशीर्वाद से ये पूरा अभियान हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत सफल होगा और 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में। अयोध्या में शुरू हुए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि बीजेपी ने ब्राह्मण को झोला उठाने के काम के लिए रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, कभी किसी की हत्या हो जाती है, कभी एनकाउंटर हो जाता है, तो किसी के घर पर बुलडोजर चल जाता है। ब्राह्मण समाज को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों का आह्वान करते हुए कहा कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब ब्राह्मणों को उनका खोया सम्मान वापस लौटने का वक्त आ गया है। वहीं अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को लेकर भी उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। व्यक्ति के ऊपर उत्तर प्रदेश में कुठाराघात इनकी सरकार करे तो उसके तुरंत माइक में आ जाए, तुरंत मीडिया में बैठ करके और उसके खिलाफ बोलने लगे और कहें कि ये बहुत सही काम हुआ। अगर इसको गोली मार दी गई, बहुत सही हुआ। इसको इसकी हत्या हो गई तो ये इस लायक था। अगर किसी के साथ में मकान तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, तो यही ब्राह्मण समाज के लोग जो वो बैठा देते हैं और उनसे कहते हैं कि जाके बोलो। पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोगों से हमारा ये आह्वान है कि जिस तरीके से 400 से ज्यादा हत्याएं इस सरकार में हो चुकी हैं, एनकाउंटर हो गए, मार दिए गए लोग, उसका संज्ञान में लेने का काम करिए। अब डरने का वक्त नहीं रह गया, ये डर और दबाव का क्या दोष है उस लड़की का जो कि 16 वर्ष की खुशी नाम उनके माँ बाप का गरीब हो गए, अच्छे से मकान बन रहे हैं, लेकिन इतनी दुर्भावना, इतनी दुर्भावना इस समाज से बनी कि जहां आपने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ियां फिसल गई, गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया, खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसको, वो क्या जानते हैं उसके माता पिता के नाम को खुशी रख रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुखी हो जाएगी वो, उसको आपने उठा करके और जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करके आप वहीं रहे।
और से तो जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता मनमीत जुड़ गए हैं, साथ ही विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज आज से हो गया है, लेकिन इसी बीच सतीश चंद्र मिश्र की मैं बात करूं तो उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। वो कहते हुए नजर आए कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, कभी एनकाउंटर हो जाता है, कभी किसी की हत्या हो जाती है या फिर किसी के घर पर बुलडोजर चल जाता है। विशाल, देखिए बिल्कुल ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2006 और 2007 में जो नज़ारा बसपा में दिखाई पड़ता था वो नज़ारा अब 2021 में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बसपा ने सीधे तौर पर ब्राह्मण सम्मेलन करने की योजना बनाई थी और आज पहला सम्मेलन था। हालांकि कोर्ट ने किसी भी जातिगत सम्मेलन पर रोक लगा रखी है, ऐसे में इसका नाम बदल दिया गया और प्रबुद्ध विचार गोष्ठी कर दिया गया। लेकिन जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी और जो यहाँ का दृश्य था, एक तरफ शंख बज रहा था, एक तरफ मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, तो ये नज़ारा 2006 और 2007 में देखने को मिला था बसपा में। सोशल इंजीनियरिंग पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया था बसपा की तरफ से, सोशल इंजीनियरिंग का फायदा हुआ। 403 विधानसभा सीटों में से 206 बसपा के खाते में आई और बसपा ने सरकार बनाई। लेकिन 2012 में ये फॉर्मूला पिट गया और बसपा बुरी तरह से हार गई और सपा की सरकार आ गई थी। इसके बाद अगर आप देखिए तो समय समय पर बसपा ने कई जो है चीज़ें बदलाव किया, यहाँ तक कि सपा से गठबंधन भी किया, तो लेकिन अब अपनी पुरानी राह पर बसपा दिखाई पड़ रही है और ब्राह्मणों की याद आई है। और यही कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल ब्राह्मणों को रिझाने के लिए एक विचार गोष्ठी की गई, इसके साथ साथ ब्राह्मणों की बात की गई, खासतौर से उन ब्राह्मणों की बात की गई जिनके मामले उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार उठे थे, चाहे वो विवेक तिवारी का लखनऊ का हत्याकांड हो, खुशी दुबे की गिरफ्तारी की बात हो, यहाँ तक कि जो विकास दुबे का इंकाउंटर था, सीधे इंकाउंटर का शब्द ना बोलकर उसको जो है दूसरी तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा ने बोला, झांसी के मामले को उठाया। मतलब साफ था कि ब्राह्मणों को ये बताना था कि बसपा अब उनके साथ है, बसपा उनको अपने साथ में लेकर चलना चाहती है और इसी वजह से सतीश चंद्र मिश्रा के साथ साथ नकुल दुबे जो ब्राह्मण चेहरा है वो है, अनंत अंटू मिश्रा जो बासपा चेहरा थे उनको यहाँ पे लाया गया था। और यहाँ पर जो तमाम होल्डिंग्स लगी है, एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर जो होल्डिंग्स लगी है, जो बैनर्स लगे हैं उनमें एक जो निवेदक जो संयोजक है, कार्यक्रम संयोजक करुणाकर पांडे, मतलब एक ब्राह्मण को ही संयोजक आया गया। मतलब साफ है कि ब्राह्मण को रिझाने के लिए बसपा अब हर हाल में हर दांव खेलना चाहती है। और इसके साथ साथ चूंकि अयोध्या इस वक्त सबसे ऐसी जगह है जहां से इस वक्त पूरी देश की निगाहें यहां पर रहती हैं, और इसीलिए बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान किया था कि अयोध्या से इसकी शुरुआत होगी। और खुद सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पर आए और उन्होंने आकर एक बयान भी दिया कि रामलला सबके हैं, किसी एक का अधिकार उस पर नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें थी ये साफ कर रही थी कि चाहे वो साधु संत हो या ब्राह्मण समाज हो, इनको अपने पाले में करने के लिए बसपा हर दांव खेल रही है। और एक चीज और है, और इसी कड़ी में आज से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज भी विशाल यहां से बसपा की तरफ से किया गया है। मनमीत, जिस तरह से बीएसपी 2007 वाली रणनीति फिर से अपना रही है, हालांकि उस वक्त की मैं बात करूं तो काफी कामयाब हुई थी बसपा इस रणनीति के तहत, लेकिन इस बार 2021 में जिस तरह अब आगाज हुआ है यहाँ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का, कितना इफेक्टिव ये होता है ये भी देखना होगा मनमीत। निश्चित रूप से जरूर देखने लायक है कि ये जो आज प्रबुद्ध वर्ग का जो सम्मेलन हुआ है वो कितना प्रभावी होगा आने वाले समय में 2022 के विधानसभा चुनाव में।